أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. मैं केस स्टडी पेश करने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि दो हैकर्स एक ही जीमेल अकाउंट से किस तरह कम्युनिकेट किया करते थे। 2012 में जनरल डेविड पेट्रियस ये ट्रिक यूज किया करते थे कि अपनी फ्रेंड को पॉला ब्रॉडवेल को एक ही जीमेल अकाउंट से ड्राफ्ट के थ्रू मैसेज सेव कर दिया करते थे और पॉला ब्रॉडवेल उस मैसेज को रीड करके उस पर रिप्लाई अपडेट कर दिया करती थी। यही टेक्निक हैकर ने यूज की। सबसे पहले अपना एनोनिमस जीमेल अकाउंट बनाया एंड देन विक्टिम के कंप्यूटर को टारगेट किया थ्रू मालवेयर। विक्टिम की मशीन पर एक्सेस हासिल करने के बाद हैकर ने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया विक्टिम की मशीन पर। उसको ओपन करने का तरीका ये था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इटसेल्फ अलाउ करता है कि विंडोज प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एक्सेस ले लिया जाए। ये बहुत सेफली मेथड था हैकर के लिए, बिकॉज कोई भी वेब पेज क्यूरी सेव नहीं हुई विक्टिम की मशीन पर बिकॉज ऑफ विंडोज प्रोग्राम यूजेस। बजाहिर तौर पर ये मालवेयर नॉर्मल मेल की तरह दिखता था, मगर इसके पीछे पाइथन स्क्रिप्ट बेस्ड कोडिंग हुई भी होती थी जो हैकर टू हैकर ही कम्युनिकेट कर पाता था और इसको एग्जीक्यूट कर पाता था। क्योंकि पीसी विक्टिम का यूज हो रहा होता था तो हैकर इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि कोई स्पॉट ना रह जाए, कोई डेटा लीक ना हो जाए हमारा, इसीलिए वो IRC और HTTP प्रोटोकॉल्स भी अवॉइड करते थे। ज्यादातर कमांड्स पर काम करते थे। इनके सारे मालवेयर्स जो होते थे वो कमांड बेस्ड होते थे और उसको एग्जीक्यूट भी कमांड के थ्रू ही कर रहे होते थे। Somehow इन हैकर्स के फुटप्रिंट्स एक्सपोज हुए और इनको पकड़ लिया गया, इनको जेल भी हुई। इसी सिनेरियो पर एक्शन लेते हुए गूगल ने भी अपनी सिक्योरिटी जहां जहां उनकी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वहां वहां फोकस किया और इस तरह के मालवेयर्स पर ओवरकम किया। और इसी तरीके से टू वे ऑथेंटिकेशन मेथड ये इंट्रोड्यूस हुआ। टू वे ऑथेंटिकेशन गूगल का एक बहुत बड़ा स्टेप था जो काफी यूजफुल साबित हुआ यूजर्स के लिए, और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स ने भी इसको यूज किया और इसको और भी किया कि यूजर कहीं से भी अपना अकाउंट लॉगिन करे तो उसको वेरिफिकेशन देनी पड़े, और अगर ट्रस्टफुल लॉगिन नहीं है तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, IP एड्रेस, मैक एड्रेस मशीन का और वेब ब्राउजर तक ये बता देता है कि ये इस वक्त इस ब्राउजर से इस डिवाइस पे लॉगिन हुआ है, क्या ये आप ही हैं या नहीं है। तो ये काफी मतलब फायदेमंद साबित हुआ है। सो That's it. I hope you like the topic. Allah Hafiz.